ये सब कुछ एक रिक्रिएशन के जरिए हुआ था। अब पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी यहाँ पर आई, कैसे उन्हें गाड़ी से उतारा गया, वो आप उस तरीके से मापिए, क्योंकि एक एक चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पर जो रिक्रिएशन के जरिए की जाती है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने उस दिन भी कवर करी थी जिस रात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अभी भी उस प्रक्रिया की, उस प्रोसेस की, हालांकि सीन रिक्रिएट किया जा चुका है लेकिन सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से दर्शाया गया। अतीक अशरफ का डमी के तौर पे ही आना, मीडिया कर्मियों का सवाल पूछना और उन तीन आरोपियों का ताबड़तोड़ फायरिंग करना, सब कुछ दर्शाया गया। और सब कुछ दर्शाते हुए ये फॉरेंसिक टीम ने ये तय किया, हालांकि वो रिपोर्ट्स बना रहे थे तो आने वाले वक्त में करेंगे, कि क्या हुआ था, क्या कहीं कोई लापरवाही की गुंजाइश है, कैसे क्या क्या हो सकता था, ये सब कुछ रिपोर्ट देखिए अभी भी एफएसएल की टीम जो है वो बाकायदा लिख रही है, वो रजिस्टर मेंटेन कर रही है और अभी भी मापी की जा रही है वहाँ पे, पूरा वो मापा जा रहा है एरिया कि कितना मीटर था। ये मापने का जो ये है तरीका वो अपने अभी से लेकर जब न्याय आयोग के सदस्य आए हुए थे तब तक तीन दफे हो गया है, यानी इसके बड़े मायने हैं, कहां कहां किसका किसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, कैसे कैसे कौन आया, कितनी दूरी पे कौन खड़ा था, ये सब कुछ बकायदा रजिस्टर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, एफएसएल की टीम ये सब कुछ नोट कर रही है, क्राइम स्पॉट से सब कुछ नोट किया जा रहा है, सीन रिक्रिएट हो चुका है, वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें बेहद खास है, लेकिन चूंकि आप क्राइम बीट कवर करते हैं मुझे आपसे ये समझना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन दफे ये चारों तरफ से ये बकायदा मापा जा रहा है, कहां से कितने कदम की दूरी, इसके मायने क्या है? देखिए, जब भी मैं आपको बता दूं कि जब किसी की डेड बॉडी गिरी होती है तो उस वक्त डेड बॉडी जहां पर गिरी होती है पंचनामा होता है और उसके लिए पुलिस बल मौजूद होता है, लेकिन यहां पर जो रिक्रिएशन किया जा रहा है रिक्रिएशन उसी तरीके से किया जाता है जब शुरुआती दिन में जब वारदात की जाती है, वारदात के बाद किस तरह से पूरा सिक्वेंस रहा था उसको मापना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी एक बाकायदा फाइल बनती है और वो फाइल बाद में पुलिस कोर्ट में पेश करती है जिसके बाद जस्टिस या फिर जिसको सज़ा होती है वो मिलनी होती है, लेकिन ये फाइल बनाने के लिए जो बीच की जो चीज़ें हैं वो ये कही जा सकती है जिसमें रिक्रिएशन भी एक पार्ट होता है। जब इस तरह की हत्या या बड़ी सनसनीखेज घटना होती है तो रिक्रिएशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आरोपियों ने पुलिस को अब तक बयान दिए हैं वो बयान कितने इस रिक्रिएशन से मिलान खाते हैं, क्योंकि रिक्रिएशन उसी आधार पर यहाँ पर किया जाता है। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने जब उन्हें बताया कि रात को वो किस जगह पर पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस के जो मीडिया के कैमरे, देखिए मीडिया के कैमरे पर ये पूरा डबल मर्डर हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया उस वक्त मौजूद था, तो इसी वजह से पुलिस को ये रिक्रिएशन में एक एक चीज़ को नपातुला यहाँ पर रखना है, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि टाइमिंग सब फिक्स थी, हर सब कुछ फिक्स था, ऑन द स्पॉट यहाँ पर डबल मर्डर हुआ, मीडिया के कैमरे पर हुआ, पूरे संसार ने देखा और उसके बाद आरोपी भी यहाँ पर पकड़े गए। तो अब जो है कौन किस कोण पर भागा, कौन किस किनारे पर छिपा, कौन किस जगह पर गिरा, किसकी पिस्टल कहाँ थी, आरोपी कहाँ पर दबोचे गए, पुलिसकर्मी कहाँ पर थे, ये सब रिकॉर्ड एक फाइल के जरिए यहाँ पर लिया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर जो मीटर है, जो फीता है यहाँ पर वो नापा जा रहा है कि कौन कितनी दूरी पर था, क्योंकि कितनी दूरी होगी उसके लिए यहाँ पर जो फीता है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इंच टेप ना हो तो ये दूरी नहीं मापी जा सकती और इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने कहा था कि मैं उस फलाना जगह पर था, मैं दाहिने हाथ पर था, मैं अशरफ जब मर गया था उसके पीछे की तरफ था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस जो इंच टेप है इसके माध्यम से मापी जा रही हैं ताकि उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए और ये रिकॉर्ड की फाइल जो है आगे बढ़ेगी जांच के लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर रिक्रिएशन के दौर पर यहाँ पर किया जा रहा है रीमा, और पुलिसकर्मी के साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है, क्योंकि मेन काम इस वक्त फॉरेंसिक टीमों का है, रिक्रिएशन में फॉरेंसिक टीमें ही सारा काम कर रही हैं, क्योंकि पुलिस ने अपना काम तो अपना अभी तक कर चुकी है लेकिन रिक्रिएशन में जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ ये नहीं कह सकते कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जो टीमें हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं,
जो पुलिसकर्मियों के बयान थे कि कैसे यहां पर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के उसी अस्पताल से जहां पर 13 अप्रैल के दिन गोलियां चली, सीन रिक्रिएट यहां पर हो रहा है। तस्वीरों में पहले आप देखिए कि कितनी भीड़ यहां पर नजर आ रही है, तमाम पुलिसकर्मी जो है, रिक्रिएशन का सीन अभी भी चल रहा है, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश अभी भी चल रही है। आप देखें दो शख्स जो यहां पर अतीक और अशरफ बने हुए हैं वो दोबारा से तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो मीटर टेप्स होते हैं उनकी मदद से दूरियों को मापा जा रहा है, आरोपी से अतीक अशरफ कितनी दूर थे वो दूरी, आरोपी को कितनी दूर बाहर लेकर आया गया वो दूरी, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो बयानों में कही जाती हैं, क्या वो असल घटना से भी मैच हो रही है, उन तमाम चीजों की जाँच यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस अस्पताल, ये चिकित्सालय जो मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, इसके अंदर की जहाँ पर आप देखें कि रिक्रिएशन का काम लगातार चल रहा है। रिक्रिएशन मतलब उस चीज को दोहराना जो हो चुकी है, 13 अप्रैल की रात को जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसको रिक्रिएट किया जा रहा है कि क्या कैसे हुआ, कहां से वो बाहर निकले, कहां पर उनके ऊपर माइक लगाए गए, कैसे उनके ऊपर गोलियां दागी गई, कौन सा पुलिस का कर्मचारी उस वक्त कहां थे। और यहां पर आप देखें कि यहाँ बिल्कुल पास में भी यहाँ पर फिलहाल अगर तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और रिक्रिएशन का जो पूरा काम है वो चले जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो जो शख्स उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसको भी बकायदा यहाँ पर लेकर आया गया है, ये शख्स की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि रिक्रिएशन की जब हम बात करते हैं, ट्रुथफुल इवेंट को रिक्रिएट किया जाता है, कितनी दूरी, कौन किसके पीछे जब गोली लगी तब वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, उनकी दूरी आरोपी से कितनी थी, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। और ये रिक्रिएशन इसलिए किया जाता है कि जब मामले को न्यायालय में लेकर जाया जाए तो अपनी तरफ से पॉइंट सारे क्लियर हो, कहीं कोई चूक ना हो। फिर तस्वीरों में आप देखिए अभी भी रिक्रिएशन का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अगर आप देखेंगे कि फीते लेकर दूरियों को नापने का एफएसएल की टीम, तमाम लोग जो आपको हाथों में ग्लव्स पहने हुए नजर आ रहे हैं, एफएसएल टीम है, एसटीएफ की टीम है, ये स्पेशल जो पूरा टास्क का रिक्रिएट किया जा रहा है उसे लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को दरअसल क्या हुआ था, कितने लोग वहाँ मौजूद थे, कितने बजे ये हुआ, कौन किसके साइड में था, कौन किसके आगे में था, ऐसी माइन्यूट डिटेल्स जो मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अमूमन देखा है कि जिस तरीके से आरोपी जो हैं वो बयानबाजी करते हैं, क्या उन बयानबाजियों का जो रेफरेंस है वो असल घटना से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी आरोपी ने कहा कि उसने बाएं हाथ से गोली चलाई तो क्या ऐसी स्थिति में वो संभव है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जज किया जाता है। ये रिक्रिएशन का मतलब है केस को पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से एक बार फिर रिविजिट करना, जिसकी तस्वीरें अगर आप देखें अंदर अभी भी आप देखेंगे कि दूरी का, देखिए जहां पर अतीक और अशरफ बनाए हुए शख्स को खड़ा किया गया है उनके पैरों से इंच टेप से माप लिया जा रहा है कि कितने मीटर की आरोपी की दूरी रही होगी। छोटी छोटी चीज़ें जो देखने में भूली जा सकती हैं उन्हें पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है। वहाँ आप देखें कि टीम पूरी पेपर्स पेन लेकर मौजूद है, कैमरा लेकर मौजूद है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को रिक्रिएट करके उन्हें नोट किया जा रहा है। और फिर आप देखिए एफएसएल का एक और शख्स यहां पर नजर आ रहे हैं जो दोबारा से, जो दो शख्स जिनको अतीक और अशरफ बनाया गया है उनके पास इस टेप को लेकर आ रहे हैं, दोबारा से मापने का काम शुरू हो गया है और ये रिक्रिएशन का जो पूरा सीन है उसे यहाँ पर दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है। खास बात ये कि वो शख्स जो जिस दिन ये पूरी घटना हुई, जो यहाँ पर उस दिन मौजूद था, उसकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि वो गाड़ी में फिलहाल उसको बैठाया गया है क्योंकि अब दूरी मापने का पूरा काम हो रहा है, रिहाइश का ये पूरा इलाका। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ की देखने के लिए कि यहाँ पर आज क्या हो रहा है, और ऐसे में पुलिस के लिए जो काम है पुलिस का वो जाहिर तौर पर ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर उनको पूरी भीड़ को भी कंट्रोल करना है और साथ ही साथ रिक्रिएशन का पूरा सीन भी क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि मीडियाकर्मी वो बनकर आए थे, ऐसे में कितने मीडियाकर्मियों की वहाँ पर मौजूदगी, वो किसके पीछे खड़े थे, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि डिटेल प्रोसीडिंग जब तक ना हो तब तक छूट जाने का डर रहता है, उन्हें आज के दिन क्रिएट करके देखे जा रहा है। कौन किसके दाएं में, कौन किसके बाएं में, किसके आगे कौन, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर पूरी हूबहू रिक्रिएट की जाती है। यानी कि 13 अप्रैल की रात जो कुछ हुआ वो एक एक शख्स के साथ यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है, मकसद यही कि कोई भी ऐसी छोटी बड़ी इवेंट ना हो, ऐसे कोई भी छोटी बड़ी घटना ना हो जो दिमाग से या बयानों से निकल गई हो, उसको पूरा क्रिएट करने की कोशिश ये कि न्यायालय के सामने
जो मामला है वो किसी भी तरीके से ढीला ना पड़ने पाए। अब आरोपियों को कहाँ पकड़ा गया, किन पोजीशन में पकड़ा गया, इतनी माइन्यूट डिटेल की क्या उनका पैर पूरी तरीके से जमीन पे था जब वो पकड़े गए या केवल पंजे की मदद से थे, वो झुके हुए थे, वो खड़े थे, ऐसी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पर फॉर्म किया गया है। और साथ ही 15 की रात की जब हम ये बात कर रहे हैं, जब ये पूरी रात की हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन ये मर्डर हुआ वो उस दिन क्या ये पूरी तस्वीरें थी वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी अब दूरी मापने का जो काम है, कौन किससे कितनी दूरी में था, कितनी दूर में आरोपी थे, कितनी दूर में ये अतीक और अशरफ थे, इनको ये पूरी दूरियों को नाप कर उनका उनका उनको लिखा जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो, किसी भी तरीके से इवेंट छूटने ना पाए। और फिलहाल यहाँ पर FSL की टीम मौजूद है, साथ ही STF की टीम मौजूद है, और साथ ही यहाँ पर देखिए एक बाइक को भी नीचे गिराया गया। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बाइक भी यहाँ पर गिरी हुई, वारदात के दिन भी मौके पर ऐसे ही बाइक गिरी हुई थी। जहाँ पर मीडियाकर्मी खड़े थे वो कौन सी जगह थी, पुलिसकर्मी किस जगह खड़े थे, माइक कहाँ पर लगाया गया, अतीक अहमद को किस तरफ जब गोली लगी तो वो किस तरफ गिरे, अशरफ किस तरफ गिरा, पुलिसकर्मी अपने बचाव के लिए किस तरफ भागे, ये तमाम वो डिटेल हैं जो उस रात हुई है, उन सबको आज रिक्रिएट किया जा रहा है। आरोपियों ने अपनी पिस्टल को कहाँ फेंका और जो खोखे पिस्टल के होते हैं वो कहाँ जाके बिखरे, इन सब की छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को नोट किया जा रहा है। और शाहगंज थाने की तरफ से अतीक और अशरफ को कैसे लेकर आया वो पूरा कुछ यहाँ समझाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उस रात को दोहराया जा रहा है कि शाहगंज थाने की तरफ से, यानी कि इस तरफ से जब उन लोगों को लेकर आया गया तो वो कहाँ आए, कहाँ से पैदल गए, कहाँ वो खड़े हुए, कहाँ मीडियाकर्मियों ने उन्हें रोका, कहाँ पर उन पर माइक लगा, कहाँ पर उन पर गोलियाँ चली, इन तमाम चीज़ों को फिलहाल माइन्यूटली नोट किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट किया जा रहा है इस रिक्रिएशन के जरिए, जहाँ लगातार काम जो है वो चल रहा है, जहाँ पर मौके पर मौजूद चश्मदीद को भी बुलाया गया ताकि सीन हूबहू रिक्रिएट हो पाए। और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल भी रिक्रिएशन का जो काम है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है रिक्रिएशन से, वो चल रहा है। जो शख्स यहाँ पर अतीक अशरफ बनाए गए हैं वो शख्स वहीं पर मौजूद है क्योंकि उनके पैरों से दूरी मापी जा रही है। दिया और कहा कि अब वो हत्या का दर्द समझ रही होंगी जो उनके साथ 18 साल पहले हुआ। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस हत्याकांड में अधिक गैंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन 24 फरवरी को इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया और हत्या का आरोप अतीक के बेटे असद समेत 7 शूटरों पर लगा। इसी हत्याकांड की पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन 15 अप्रैल को 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। उनकी पत्नी अच्छी तरह से समझ सकती होंगी क्योंकि जो मेरे साथ 18 साल पहले हो गया है आज उनके साथ हुआ है। साथ ही उन्होंने शाइस्ता को नसीहत भी दे दी कि उन्हें कानून का साथ देना चाहिए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है और उसकी तलाश के लिए UPSTF जगह जगह छापेमारी कर रही है। वो अपने पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं पहुंची। उसके साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी गायब है। अब आशंका जताई जा रही है कि शूटर गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को सरेंडर नहीं करने दे रहा है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। जैसा आप करोगे आपको रिटर्न में वही मिलता है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में अहम गवाह था, जबकि राजू पाल की 2005 में तब हत्या कर दी गई थी जब उनकी शादी के सिर्फ 9 दिन हुए थे। और एक तरफ पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। गाजीपुर पुलिस ने अफशा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। पहले उस पर 25,000 का इनाम था, लेकिन अब उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अफशा अंसारी पर होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम IS-191 गैंग की सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है। अफशा अंसारी काफी समय से फरार चल रही हैं। उस पर गाजीपुर के साथ मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक गैंग के बाद अब मुख्तार अंसारी की फैमिली की टेंशन बढ़ गई है। हेट स्पीच मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है।
इस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकार आने पर अधिकारियों को हिसाब किताब करने की धमकी दी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया था और अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ कोतवाली में FIR दर्ज करवाई गयी थी और पुलिस ने भी अपनी जाँच में अब्बास अंसारी को हेट स्पीच का दोषी पाया था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर जारी सियासत पर बीजेपी नेताओं ने विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि विदेशी मीडिया और राजनेताओं में गठजोड़ हो गया है, देश की छवि खराब करी जा रही है। आप भी जानते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, अखिलेश यादव हो चाहे ओबीसी हो चाहे कांग्रेस हो, ये धर्म विशेष की राजनीति करके आज ये चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अनिल विज ने भी विरोधियों पर निशाना साधा और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को, तो इसलिए ये शोर मचा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।